यार व्लॉगिंग की दुनिया में आने के बाद ये मेरी ज़िंदगी का पहला वाक्य है कि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला कि मैं उसके ऊपर वीडियोग्राफ करूँ। सो आज की वीडियो में मैं फजूल से टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन देखते हैं शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। मैं कैमरा भूल गया था। अब I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you if I told you just how. जनाब वीडियो के स्टार्टिंग से आपको कुछ अंदाजा तो हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो किस बारे में है। स्टार्टिंग देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी क्रिकेट मैच या किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस बारे में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं वो है हमारा एक मेन मसला। और वो मेन मसला ये है कि इमेजिन करें कि किसी ग्राउंड पे आप बहुत ही पुरजोश अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हो और अचानक से कोई आए और कहे चलो भाई निकलो यहाँ से, इधर नहीं खेलना। तो सोचे आपके दिल पर उस टाइम क्या गुजरेगी। यही तो एक खेलने की पुरसकून जगह है, पूरा ग्राउंड अगर आप लोग एक चक्कर मारे ना इसका तो यही एक पुरसकून जगह है जहाँ पे इंसान खेल सकता है, लेकिन हमें यहाँ से निकाल दिया जाता है यार। यकीनी तौर पर अभी भी आप लोगों को ये समझ नहीं आई होगी कि भाई साहब का मेन मसला है क्या। तो हमारा मेन मसला वो हम जैसे और क्रिकेटर्स का मेन मसला है। तो आए आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे शहर में जितने भी ग्राउंड मौजूद हैं क्या वो ग्राउंड होने का हक भी अदा करते हैं कि नहीं। सो लेट्स गो। वैसे तो इस ग्राउंड को कहते हैं जनाब हॉकी स्टेडियम ऑफ ननकाना, लेकिन अगर आप यहाँ से इसका एक नज़ारा लें तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई हॉकी खेल भी सकेगा इस दौर के अंदर। अब तो हमारे शहर में वैसे कोई हॉकी नहीं खेलता, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं खेलता, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अब क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आप खुद ही इंसाफ करें, क्या ये एक क्रिकेट के ग्राउंड का हक अदा करता है। मैं इस टाइम यहाँ पर वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ टाइम मिल जाए और मैं आसानी से अपनी वीडियो शूट कर सकूं, नहीं तो यहाँ पे पता नहीं कितनी विकेट्स लगी होती हैं और कितने लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं, खेलने की कोई जगह नहीं है। तो ये हमारा एक मेन मसला ये है कि हमारे शहर में कोई अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड मौजूद नहीं है। देखा जाए तो यहाँ से ही एक टैलेंट निकला है ननकाना से, इरफान जूनियर, जो कि अब PSL के अंदर खेल रहा है, वो ननकाना का हिस्सा है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा ग्राउंड मौजूद होता तो हो सकता है कि यहाँ से पता नहीं कितने टैलेंट और निकलते। अच्छा, या इस इशू के ऊपर और भी बहुत से लोगों ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी की नहीं सुनी गई, तो शायद मेरी कोई सुन, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे चलते हैं, एक और ग्राउंड का व्यू आपको करवाते हैं। ये है जी यहाँ का इलामा इकबाल पार्क, और इसका स्ट्रक्चर देख के मतलब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये एक सिर्फ पार्क है। दरमियान में इसके एक फुहारा आता है और दोनों साइड पे एक साहब का पार्क बना हुआ है, और लोग इसको एज आ क्रिकेट ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। सो इमेजिन करें कि ननकाना की हालत क्या है। ये एक शहर है जिसके अंदर से एक खिलाड़ी अब PSL के अंदर भी खेल रहा है, और इसके अंदर एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड मौजूद नहीं है। सो इस व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता था कि अगर कोई मेरी ये आवाज़ सुन रहा है तो काइंडली इसके ऊपर गौर करके यहाँ के लोगों को एक अच्छा ग्राउंड फ्राहम किया जाए, जैसे भी किया जाए, या तो हमें DCO पार्क में खेलने की इजाज़त दी जाए या बाकी ग्राउंड्स को भी अच्छा बनाया जाए। सो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, देखते हैं। और मुझे इस बात का भी पता है कि पता नहीं कितने दिन और कितनी रातें ऐसे ही गुजर जाएंगी, लेकिन हमारा मसला महज एक मसला ही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा मसीहा हमें मिल जाए जो इस मसले से हमें निजात दिला दे। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है
तो उसे जरूर टैग कीजिएगा। यार व्लॉगिंग की दुनिया में आने